Hello class 10th. So today we will be discussing about the properties of magnetic field lines. Last time we have discussed about what is magnet and what is magnetic field. So today we will be discussing properties of magnetic field lines. ये जो green pen से लिखी हैं properties, ये most important है, इनको ध्यान से समझना है. तो सबसे पहली है कि magnetic lines of force never intersect. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी? इफ़ दे डू सो, अगर वो करती हैं आपस में कट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे वो कट करेंगी, वहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक कंपास को रखोगे, इट विल शो टू डिफ्लेक्शन, दो डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन देगा. और ऐसा नहीं होता, एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन कभी नहीं होती. ठीक है, इसको हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो फर्दर पढ़ेंगे हम. सेकेंड पे आते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाती हैं नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, और इनसाइड जाती हैं साउथ टू नॉर्थ. थर्ड, मैग्नेटिक लाइन्स कन्वर्ज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग. जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे लाइन्स कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज मीन्स पास पास होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होंगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी. ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. और भी प्रॉपर्टीज हैं, रीड करते हैं. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताइए पहले में. नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस कर्व्स. इनको क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स भी बोलते हैं. एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो क्लोज लूप्स बनाती हैं. क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो एक तरह से क्या बन जाता है? क्लोज्ड लूप बन जाता है. ठीक है, फर्दर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है, ये एक और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये कट कर गई, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट बनाते हो, उसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बन जाएंगे. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या बन जाएंगे? दो टेंजेंट. टेंजेंट वो होता है जो कर्व को टच करते हुए जाता है. तो दो टेंजेंट बन जाएंगे. दो टेंजेंट का मतलब है दो डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और ये क्वेश्चन आ जाता होता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट या नेवर क्रॉस ईच अदर इस फॉर्म में बनके. ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपने नोट डाउन भी करनी है और अच्छे से समझ लिया. आई होप समझ में आ गई है सभी को. तो इसको नोट डाउन जरूर करना अपने नोटबुक में.